जय भीम नवबुद्धा। मैं हूँ करण बौद्ध और आप देख रहे हैं बुद्ध नाइट चैनल। आज हम आपको बताएंगे कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का संदेश जो उन्होंने 18 मार्च 1956 को दिया था, इसके बारे में आपको बताएंगे कि उन्होंने बौद्ध भिक्षुओं के बारे में बाबा साहब ने क्या संदेश दिया था, इसके बारे में मैं आपको बताऊँगा। बाबा साहब का कहना है कि बौद्ध धर्म महान धर्म है। इस धर्म के संस्थापक तथागत बुद्ध ने इस धर्म का प्रचार प्रसार किया और उन अपनी अच्छाइयों के कारण यह धर्म देश विदेशों तक गली गूंजों में तक फैला। लेकिन महान उत्कर्ष पर पहुंचने के बाद यह धर्म 1213 ईस्वी में भारत में विलुप्त हो गई, जिसके कई कारण हो सकते हैं। एक प्रमुख कारण यह है कि बौद्ध भिक्षु विलासतापूर्ण यौन विला आराम तलब जिंदगी जीने के लिए आदि हो गए हैं। धर्म प्रचार हेतु वो स्थान पर न जाकर वो अपने बुद्ध विहारों में आराम करना शुरू कर दिया है तथा रजवाड़ों की प्रशंसा में पुस्तकें लिखना शुरू कर दिया है। अब इस धर्म की पुनर्स्थापना हेतु उन्हें कड़ी मेहनत करनी होगी। उन्हें दरवाजे दरवाजे जाना पड़ेगा। मुझे समाज में ऐसे बहुत कम भिक्षु दिखाई देते हैं जिन्होंने जनसाधारण से ही अच्छे लोगों को ही इस धर्म प्रसार हेतु आगे आना चाहिए और उनके संस्कारों को ग्रहण करना चाहिए। जो ये बात बाबा साहब ने बताई है, ये बात बाबा साहब 18 मार्च 1956 को बताई थी कि बौद्ध भिक्षुओं का पतन कैसे हो गया, आखिर क्या कारण था। बाबा साहब ने एक कारण बताया है और उन्होंने छात्र एवं युवाओं से उन्होंने क्या कहा था, इसके बारे में भी आपको बताऊंगा। बाबा साहब ने कहा है कि मेरी छात्रों से अपील है कि शिक्षा प्राप्त करने के बाद किसी प्रकार की कलर्की करने के बजाय वो अपने गाँव की अथवा आसपास के लोगों की सेवा करनी चाहिए, जिससे अज्ञातता से उत्पन्न शोषण एवं अन्याय को रोका जा सके। आपका उत्थान समाज के लिए ही उत्थान में ही निहित है। आज मेरी स्थिति एक बड़े खंभे की तरह है जो विशाल टेंटों को संभाल रही है। मैं उस समय के लिए चिंतित हूँ जब यह खंभा अपनी जगह पर नहीं रहेगा, मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है। मैं नहीं चाहता कि मैं कब तक आप लोगों के बीच से चला जाऊंगा। मैं किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं ढूंढ पा रहा हूं जो इन करोड़ों असहाय और निराशा लोगों के हितों की रक्षा करने हेतु जिम्मेदारी ले सके। यदि कोई नौजवान इस जिम्मेदारी को लेने के लिए आगे आता है तो मैं चैन से मर सकूंगा। और उन्होंने शासकीय अधिकारियों कर्मचारियों के बारे में बाबा साहब ने देखिए क्या कहा है। हमारे समाज की शिक्षा में कुछ प्रगति हुई है। शिक्षा प्राप्त करके कुछ लोग उच्च पदों पर बैठ गए हैं। मैं देख रहा हूँ कि छोटे और बड़े क्लर्कों की एक भीड़ एकत्र हो गई है और जो अपनी तोंदे पेट भरने में व्यस्त हैं। मेरा आग्रह है कि जो लोग शासकीय सेवाओं में नियोजित हैं, हाँ, उनका कर्तव्य है कि वो अपने वेतन का 20वां भाग मतलब 5% स्वेच्छा से समाहित के कार्य में दें। तभी अपने समाज का प्रगति होगी, अन्यथा केवल चंद लोगों का ही सुधार होता रहेगा। कोई बालक जब गांव में शिक्षा प्राप्त करने जाता है तो संपूर्ण समाज की आशाएं उस पर टिक जाती हैं। एक शिक्षित सामाजिक कार्यकर्ता समाज के लिए वरदान साबित हो सकता है।
बारे में बाबा साहब ने कहा है, यदि कोई राजा तुम्हें अपने महल में बुलाता है तो इच्छा से चले जाना, लेकिन अपनी झोपड़ी में आग लगाकर नहीं। यदि वो राजा किसी दिन आपसे झगड़ा करता है और आपको अपने महल से बाहर ढकेल देता है, उस दिन तुम कहाँ जाओगे? या तुम अपने आप को बेचना चाहते हो तो बेचो, लेकिन किसी भी हालात में अपने संगठन को बर्बाद होने की कीमत पर नहीं। मुझे दूसरों से कोई खतरा नहीं है, लेकिन मैं अपने लोगों से ही खतरा महसूस कर रहा हूँ। धन्यवाद। जय भीम। नवोद्धाय।